बिसमिल्ल रन रही दोस्तों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ के लेक्चर नंबर थ्री में आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे फर्स्ट वन ये है कि कंपाइलर जो है वो कौन कौन से एरर्स को डिटेक्ट कर पाता है और सेकंड है कि आज हम सी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर जो है ये कंपाइलेशन प्रोसेस के वक़्त कुछ एरर्स को डिटेक्ट करता है तो आइए देखते हैं कि वो एरर कौन कौन से होते हैं ये डायग्राम देखें कि हमने सोर्स कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम जो भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे वो सोर्स कोड होगा वो जब कंपाइलर के पास गया तो कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया लो लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज के कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं अब इस प्रोसेस के दौरान आपको पता है कि कुछ एरर्स भी आएंगे तो कंपाइलर क्या करेगा कि उन एरर्स को डिटेक्ट करेगा यहाँ पे एक एरर है कंपाइलेशन एरर कंपाइलेशन एरर ऐसा एरर होता है जो कि कंपाइल टाइम पे वाक़ होता है आपको पता है कि पांच तरह के एरर्स हैं जिनमें नंबर वन सेंटेक्स एरर नंबर टू रन टाइम एरर नंबर थ्री लॉजिकल एरर नंबर फोर लिंकर एरर और नंबर फाइव सीमेंटिक एरर लेकिन यहाँ पे हम तीन एरर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें फर्स्ट वन है सेंटेक्स एरर सेंटेक्स क्या होता है किसी भी लैंग्वेज के कुछ ग्रेमेटिकल रूल्स होते हैं उन रूल्स को उस लैंग्वेज का सेंटेक्स कहते हैं इसी तरह सी लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं उन रूल्स को उस लैंग्वेज का सेंटेक्स कहते हैं जब आप उन रूल्स की खिलाफवर्जी करते हैं तो जो एरर आएगा उसे सेंटेक्स एरर कहते हैं सेंटेक्स एरर को हम कंपाइलेशन एरर भी कहते हैं क्योंकि ये एरर जो है ये कंपाइल टाइम पर ही डिटेक्ट हो जाता है कंपाइल टाइम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के दौरान जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है उसे कंपाइल टाइम कहते हैं अब इसकी एग्ज़ैम्पल क्या है कि मिसाल के तौर पर आप किसी स्टेटमेंट के लास्ट से टर्मिनेटर मिस कर दें या किसी फंक्शन की प्रैंथिसिस को मिस कर दें या फिर कोई एक ऐसा वेरिएबल आप यूज़ करें जो कि डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो इस केस में फिर सेंटेक्स एरर आएगा कंपाइलर सेंटेक्स एरर या कंपाइलेशन एरर को डिटेक्ट कर पाता है उसके बाद आता है रन टाइम एरर ऐसा एरर जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ़ प्रोग्राम वाक़ हो उसे रन टाइम एरर कहते हैं मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करे और वो नंबर्स हैं ए और बी अब आपको नहीं पता कि यूज़र ए में क्या वैल्यू इंटर करेगा और बी में क्या वैल्यू इंटर करेगा मान लीजिए कि यूज़र ए में वैल्यू टेन इंटर कर देता है और बी में वैल्यू ज़ीरो इंटर कर देता है तो ये फिर एक रन टाइम एरर होगा कंपाइलर इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता कंपाइलर को नहीं पता चलता कि कोड की किस लाइन में ये एरर आया है अभी जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे अपने कोड की तब हम इनको देखेंगे कि यह एरर असल में है क्या उसके बाद आता है लॉजिकल एरर। ऐसा एरर जो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से वाक़ हो उसे लॉजिकल एरर कहते हैं मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि दो नंबर्स को ऐड करे लेकिन मेरी मिस्टेक ये हुई कि मैंने प्लस के ऑपरेटर के बजाय माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर दिया अब कंपाइलर के लिए प्लस ऑपरेटर भी वैलिड है और माइनस ऑपरेटर भी वैलिड है लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो नहीं आई तो ये एक लॉजिकल एरर होता है कंपाइलर जो है लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता जबकि सेंटेक्स एरर को डिटेक्ट कर पाता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है जिस तरह से जावा के अपने कंपाइलर्स हैं सी के अपने कंपाइलर्स हैं और सी प्लस प्लस के अपने कंपाइलर्स। बेसिकली सी और सी प्लस प्लस सेम ही चीज़ें हैं इनमें कुछ डिफरेंस है वो है क्लासेस का तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाइलर्स को कोड किया है जैसा कि बोर्ड लैंड टर्बो सी ये कंपाइलर आपने यूज़ किया होगा टीनी सी कंपाइलर पोर्टेबल सी कंपाइलर जी सी सी और सी लैंग यहाँ पे जो हम कंपाइलर यूज़ करेंगे वो है जी सी सी कम्पाइलर जी सी सी कम्पाइलर जो है ये आंसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया एक कंपाइलर है बेसिकली हर कंपाइलर का मकसद क्या होता है कि हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट करना इसी तरह से जी सी सी कम्पाइलर भी यही करता है जी सी सी कम्पाइलर जो है वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है जिनमें जो नोटेबल टास्क हैं वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं सबसे पहले क्या करेगा कि ये कोड को प्री प्रोसेस करेगा जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर क्या करता है एक प्रोग्राम को ऑन करता है जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर प्रोग्राम तो ये वही वाला स्टेप है उसके बाद ये क्या करेगा कि अगर कोई एरर है तो हमें एरर शो करवाएगा आपको पता है कि कंपाइलर जो है ये प्रोग्राम कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसको टेम्प्रेरी तौर पर डिस्क पे स्टोर करता है ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था लास्ट पे लिंकर क्या करेगा कि कुछ लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ अटैच करेगा और उसकी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बना के वो भी डिस्क पे ही स्टोर कर देगा सारी की सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थीं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आन क्या है आन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कम्प्यूटिंग के जितने भी स्टैंडर्ड हैं यही ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो है प्रोवाइड करती है यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पर एक आउटपुट प्रिंट करेगा हेलो वर्ड जो कि आपको इस तरह की स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है अब मैंने इस प्रोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है नंबर वन जो आप देख रहे हैं कि लाइन हैश से स्टार्ट हो रही है और नंबर टू मेन फंक्शन जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि एक प्रोग्राम कौन करता है जिसे प्री प्रोसेसर प्रोग्राम कहते हैं वो प्रोग्राम ये चेक करेगा कि क्या कोई लाइन प्रोग्राम के अंदर हैश से स्टार्ट हो रही है अगर हैश से स्टार्ट हो रही है तो उसको पता चल जाएगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसके बाद प्री प्रोसेसर प्रोग्राम ये चेक करेगा कि चलो ये लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तो है लेकिन इसके साथ आइडेंटिफायर कौन सा यूज़ हुआ है या डायरेक्टिव नेम कौन सा यूज़ हुआ है ताकि उसको मज़ीद ये पता चल जाए कि मैंने क्या करना है प्री प्रोसेसर जो है ये कंपाइलर का पार्ट नहीं होता लेकिन कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर ये एक सेपरेट स्टेप है यहाँ पे देखें कि हैश डिफ़ाइन ये एक डायरेक्टिव है जो कि मैक्रो को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है इसकी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे हम एक कांस्टेंट नेम को डिफ़ाइन कर रहे हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हैश डिफ़ाइन को यूज़ करके हम एक मैक्रो को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं आइडेंटिफायर वो है इंक्लूड तो इसका मतलब ये होगा कि जब प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे देखें ज़रा मान लीजिए कि ये हमारी लाइंस हैं प्रोग्राम की तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड तो प्री प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि एक लाइन है जो कि हैश से स्टार्ट हो रही है और उसके साथ इंक्लूड प्री प्रोसेसर है तो उसको ये पता चल जाएगा कि कोई एक ऐसी फाइल है जो कि यूज़र ने इंक्लूड की है प्रोग्राम के अंदर वो फाइल कौन सी है उस फाइल को हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा है एस टी डी आई ओ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और ये एक हैडर फाइल है हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शन डिकलेशन होती हैं जबकि जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनके अंदर फंक्शंस डेफिनेशनस होती हैं ये एक मिसकनसैप्शन पाई जाती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन है जी ये बात गलत है हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शन की डिकलेशन्स होती हैं हम ये कह सकते हैं कि हेडर फाइल्स के अंदर हेडर्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशनस होती हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होती हैं यहाँ पे देखें कि ये हमारे मान लीजिए कि हेडर्स हैं ये एक हेडर फाइल है इन हेडर्स की जो डेफिनेशन है ये लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर मौजूद होती है ठीक है तो हम इस हेडर फाइल को यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फोन नंबर है वो एक हेडर फाइल है लेकिन जो एक्चुअल पर्सन है वो लाइब्रेरी फाइल है तो सेम इसी तरह से हेडर फाइल के अंदर डेलरेशंस होती हैं लेकिन जो एक्चुअल कोड पड़ा होता है डेफिनेशन पड़ी होती हैं फंक्शंस की वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर पड़ी होती हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हेडर फाइल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे मेन आपने देखा कि मेन फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी बेसिकली मेन जो है ये एक फंक्शन है तो आपको पता है कि जो फंक्शन होता है ये कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट का ग्रुप होता है जिसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे उस फंक्शन का नेम क्या है मेन अब इस फंक्शन को एंट्री पॉइंट ऑफ कंपाइलर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ही हमने अपना सारा का सारा कोड लिखना होता है तो ये ओपनिंग डेली है ये क्लोजिंग डेली है इनके दरमियान हमने प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखनी है तो मैंने वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट लिखी थी प्रिंट एफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है ये डिस्प्ले स्क्रीन पर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक मेन फंक्शन लाजमी होता है मेन फंक्शन के आखिर पर हम एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं जो कि ज़ीरो होती है ये वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम की सक्सेस के बारे में बताती है कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है ये चीज़ ऑप्शनल है आप अगर उस स्टेटमेंट को लिखना चाहें तो लिख लें अदरवाइज अगर छोड़ दें तो वो कोई इशू नहीं है जो फंक्शन है ये स्टेटिक नहीं होता ये डायनामिक होता है हम ये कह सकते हैं कि ये जिंदा भी होता है और सांस भी ले रहा होता है यानी कि ये आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा होता है और वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा होता है तो यहाँ पे हम कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो पास नहीं कर रहे तो फंक्शन की टाइप भी वॉइड है और फंक्शन जो है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है जब हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि असल में फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या होते हैं अभी चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मेन फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शंस को कॉल करते हैं वो भी जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा तो अब हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डेवलपर सी प्लस प्लस को ओमन करके अपना प्रोग्राम राइट करते हैं यहाँ पे हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रिंट एफ इसको हम सेव करते हैं लेक्चर थ्री डॉट सी अब यहाँ पे जो सी है ये एक्सटेंशन है इस प्रोग्राम की यहाँ से हमने कंपाइल एंड रन करना है यहाँ से जस्ट प्रोग्राम रन होगा और यहाँ से कंपाइल होगा फ़र्क क्या है कंपाइल एंड रन में क्या होता है कि एक एग्जी फाइल बनती है और वो साथ ही रन हो जाती है यहाँ पे पहले आप कंपाइल करेंगे उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी बाद में आप कभी भी उसको यहाँ से रन कर सकते हैं तो मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ देखें वो हमें आउटपुट आ गई अब देखें कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से सेमी मिस कर देता हूँ एरर आ गया इस एरर को हम क्या कहते हैं इस एरर को कहते हैं हम साइंटेक्स एरर कंपाइलर ने हमें कंपाइलेशन के वक़्त ही बता दिया कि कोई ना कोई एरर आया है उसके बाद यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट लाइन है वो है से स्टार्ट हो रही है मैंने आपको बताया कि ये एक प्री डायरेक्टिव है हम कर क्या रहे हैं एक लाइब्रेरी फ़ाइल को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि है एस टी डी आई ओ आपको पता है कि ये हेडर फाइल है अब मैं जो यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ये है प्रिंट एफ प्रिंट एफ फंक्शन की जितनी भी डिकलेशन है वो इस हैडर फाइल के अंदर मौजूद है जबकि जो डेफिनेशन हैं वो लाइब्रेरी फ़ाइल्स के अंदर पड़ी हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फ़ाइल असल में कहाँ पर मौजूद है तो आप उस डायरेक्टरी में जाएँ जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है अपने डेफ सी प्लस प्लस को यहाँ पे ये हम जाते हैं इस फोल्डर के अंदर इंक्लूड सॉरी यहाँ पे नहीं होगी वो फ़ाइल इसमें और इंक्लूड में जाएँ यहाँ पे सर्च करते हैं एस सी डी आई फ़ाइल मिल गई यहाँ से अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहीं से देखें इस फाइल के अंदर कितना कोड पड़ा है मेरा बेसिकली इस फाइल को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि मेरा कोड जो है यह नीट एंड क्लीन हो जाए अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ से और और इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूं, इस कोड को यहाँ पे पेश कर दूं, तब भी ये प्रोग्राम रन होगा देखें तो असल में यही काम जो है ये प्री प्रोसेसर करता है कि कोड को एग्ज़ामिन करेगा और एक ही फाइल बना देगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है ये प्रोसेस जो है ये बैक एंड होगा हम अगेन वही कर लेते हैं मेरे ख़्याल से अब आपको समझ आ गई होगी कि हम एस को क्यों इंक्लूड करते हैं उसके बाद मेन मेन को हम इंट्री पॉइंट ऑफ कंबाइलर भी कहते हैं ये स्टार्टिंग डेली है और ये क्लोजिंग डेली है और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करेगी हेलो वर्ल्ड जैसा कि आपने देखा है अब यह प्रिंट फंक्शन जो है ये डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको जैसा कि पता है कि आउटपुट प्रिंट करता है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि यह हमारी एक स्क्रीन है तो ये फंक्शन जो है ये क्या करेगा चूँकि ये आउटपुट का फंक्शन है इस मीनस कि हमारा जो फ्लो है ये मेमोरी से आउटपुट वॉइस की तरफ है तो जो आउटपुट का फंक्शन है उसके लिए आईओ यूनिट इस्तेमाल होता है इनपुट और आउटपुट के फंक्शन के लिए आईओ यूनिट जिस तरह से अगर मैं प्रिंट एफ की कमांड यूज़ करूँगा या फंक्शन को यूज़ करूँगा तो वो चूँकि डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है तो उसके लिए मुझे डिस्प्ले स्क्रीन का होना ज़रूरी है अगर मैं स्कैन एफ़ यूज़ करूँगा स्कैन एफ़ जो है ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है स्टेटमेंट या कमांड तो उसके लिए मुझे फिर इनपुट डिवाइसेस का होना ज़रूरी है तो ये दो फंक्शन जो हैं ये आई यूनिट को इस्तेमाल करते हैं आई यूनिट जो है वो इनपुट आउटपुट यूनिट होता है तो मेन जो है ये एक फंक्शन का नेम है मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन जो है ये कोई आर्गूमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये फंक्शन की टाइप है वॉइड तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो ऑप्शनल है इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम जो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और ये जो है ये वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन जो बाकी फंक्शंस होते हैं वो हम मेन के अंदर कॉल करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो की समझ आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़